क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम लोग देखेंगे। इसमें तीन चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसमें करते हैं, तो इस यूनिट में जो सबसे पहले लिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी बातों को लिखा है लेकिन काम का नहीं है। एक यहाँ पे टर्म है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ये इस टर्म को हम लोग समझते हैं। द फिजियो केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। किसी भी जीवित जीव के बारे में अगर हम लोग फिजियो केमिकल अप्रोच करें, फिजियो मतलब उसके जो भौतिक जो ढांचा है बनाया गया है, या फिर उसको केमिकली रूप से अगर उसको समझें, तो वो कहलाता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो सबसे पहला हमारा जो की नोट्स होगा वो डालेंगे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अब आप अपने अपने भाषा में जैसे भी हो सके इसके बारे में थोड़ी सी लाइन लिख लीजिए कि ये कैसा है। तो फिजियो केमिकल अप्रोच है, एक फिजियो केमिकल अप्रोच है किसी भी जीवित जीव को समझने के लिए, ठीक है। दूसरा की पॉइंट क्या है, अगले पैराग्राफ में जी एन रामचंद्रन के बारे में एनसीईआरटी लिखता है, तो इनका क्या योगदान है बायोलॉजी में। तो देखिए, जी एम रामचंद्रन ने, ये तो साउथ इंडिया के थे। दूसरी चीज कि इन्होंने दो चीज़ें बताई, एक कोलेजन के ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए यहाँ लिखा है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, पहला। और दूसरा, इन्होंने अपने एक रामचंद्रन प्लॉट से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझाया, ठीक है। फिर नीचे लिखता है कि रामचंद्रन एक वैज्ञानिक से मिलते हैं, लियोनियस पॉलिंग से, और लियोनियस पॉलिंग किस पे काम कर रहे थे, तो इन्होंने, ये लियोनियस पॉलिंग अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर, कोलेजन प्रोटीन के ऊपर काम कर रहे थे, इनसे इन्हों ये बहुत प्रभावित हुए। तो ठीक है, ये तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए, मैं इसको भी नोट कर दे रहा हूँ। तो हमारा दूसरा की पॉइंट यही होगा, तीसरा की पॉइंट होगा रामचंद्रन के बारे में ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ठीक है। दूसरा चीज रामचंद्रन प्लॉट, तो ये स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में बहुत बड़े योगदान दिए। और ये एक वैज्ञानिक से मिलते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम है लिनियस पॉलिंग, और ये क्या कर रहे थे लिनियस पॉलिंग, तो अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स नहीं, बीटा सीट बोलते हैं, स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे। तो ये हमारे दो पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स बनाते जाएंगे हम लोग, एक पेज पर आप फटाफट बना लेंगे इस पॉइंट्स को, मैं साथ साथ आपको दिखाते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो अब हम लोग चैप्टर में आ गए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो ये चैप्टर में क्या क्या है, देखिए व्हाट इज सेल को समझाया है कि सेल क्या है, उसके बाद सेल थ्योरी, ये वैज्ञानिक आते हैं अपना सेल थ्योरी देते हैं, इसके बारे में बताया है। अन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनली है इसके बारे में बतलाता है। फिर अगला है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसको डिटेल में बताया है, इनके बीच में डिफरेंस भी समझाया है। इस चैप्टर में कुल मिला के हमें इतने ही पॉइंट्स पढ़ने हैं, और हम लोग जो भी नोट्स बनाएंगे ये ऐसा करेंगे कि एक भी अगर क्वेश्चन आए एनसीईआरटी से तो छूटे नहीं, ठीक है। हमारा थर्ड नंबर पॉइंट्स क्या होगा और हम लोग इसमें पढ़ के देखते हैं। तो इस पैराग्राफ में ये बतलाता है कि जब आपने चारों तरफ जीवित जीवों को देखते होंगे या निर्जीव को देखते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि निर्जीव आखिर निर्जीव क्यों हैं, निर्जीव जीवित क्यों नहीं हो सकते, या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बतलाता है इसके बारे में कि जो एक सेल है, और सेल ही है जो लिविंग बीइंग का बेसिक यूनिट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है,
ये क्या है, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरी, जितने भी जीव हैं, लिखा ना, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, सेल से बने हुए हैं। और नीचे लिख रहा है कि उसमें से कुछ जो एक सेल के हैं यूनिसेलुलर जीव हैं, और जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं उन्हें मल्टी सेलुलर जीव बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें टर्म्स यहाँ पे एक लिखना है, मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख दिया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग बींग्स, कि सभी जीवों के अंदर जो सेल हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। दूसरा जो पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिख दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी जीव सेल से बने हुए हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल होते हैं, और मल्टी सेलर बहुत सारे सेल से बने होते हैं। तो हमारे चार पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। हम लोग पॉइंट वाइज ही लिखेंगे, मुझे लगता है कि लगभग 150 के आसपास, 150+ अगर पॉइंट्स इसमें हैं, इसको लिख दिया जाए तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा चैप्टर। तो पॉइंट वाइज 1 2 3 करके लिखोगे, और आपको ऐसे लिख दोगे तो याद भी रहेगा कि हमने कौन से पॉइंट भूला है और कौन से पॉइंट्स में मिस्टेक है। तो देखिए, ये जो आप ऐसे एक बार पॉइंट्स बना लोगे तो आपको बार बार ना एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, आप आराम से लिख सकते हो, कभी भी रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर पॉइंट्स देखते हैं अगले पैराग्राफ में। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ जो ये पूरा ओवरऑल है, इसमें क्या बोलता है, व्हाट इज सेल, इसमें सेल समझाने की कोशिश करेगा, सेल क्या है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। कह रहे हैं कि यूनिसेलुलर जो जीव है, मतलब जो एक ही सेल के अंदर अपना लाइफ जीता है, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो अकेले ही रह सकता है, ठीक है, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और अपने जीवन के जो भी जरूरी कार्य है उसी में कर सकता है, एक ही सेल के अंदर, जैसे डाइजेशन हो गया, सिक्रीशन हो गया, या फिर उसको बोले तो एक्सक्रीशन हो गया, तो ये सब चीज़ें वो कर सकता है। तो अगर एक सेल से छोटा कोई जीव हो तो क्या वो जीवित रह सकता है? नहीं, एक सेल से कम कोई भी लिविंग जीव, लिविंग थिंग नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस पॉइंट्स को। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिख दिया, 6 नंबर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और ये जीवन के हर एक इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, तो ये लिख दिया। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि लिखा है कि हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार जो सेल है वो फंडामेंटल फंक्शन और स्ट्रक्चर है किसी भी जीवित जीव के। एंटोनी वॉन लीवनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना पड़ेगा इसको। क्या है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने सबसे पहले जीवित सेल को देखा, लेकिन इससे पहले सेल को कौन देखा था? रॉबर्ट हुक, उनका नाम है रॉबर्ट हुक, कॉर्क में देखा था, जीवित सेल नहीं थे फिर भी उन्होंने सबसे पहले देखा था, उसके बाद लिविंग सेल को एंटोनी बॉन ने लिखा। तो मैं उसको भी लिख देता हूँ, एनसीईआरटी में भले नहीं है। तो इस पैराग्राफ में हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है, तो एक तो ये चीज़ मैं लिख दिया हूँ 7 नंबर पॉइंट में, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कोई भी एक सेल से कम होगा, एक सेल से कम होगा वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होगा। अगला पॉइंट जो इसमें दिया था कि ये रॉबर्ट हुक के बारे में, तो मैं लिख दिया हूँ रॉबर्ट हुक फर्स्ट सॉ नॉन लिविंग सेल। यहाँ पे लिखा है एंटोनी वॉन लियोनहॉक, जिसने फर्स्ट लिविंग सेल को देखा, लिविंग सेल को देखा, लेकिन नॉन लिविंग सेल को किसने देखा था सबसे पहले? तो रॉबर्ट हुक ने। किस में देखा था? तो कॉर्क में। और ये किस बुक में छपा था? तो माइक्रोग्राफिया नाम के बुक में इन्होंने छपा था इसको। और ये लिवन हॉक लिविंग सेल को देखे थे, इनके पास एक माइक्रोस्कोप था, अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, उससे देखे थे। तो बारिश के पानी में, जो बारिश के पानी मिट्टी में भीगा हुआ है उसमें देखे थे इन्होंने, बहुत छोटे छोटे सेल्स, बैक्टीरिया वगैरह। तो इनको बोला जाता है कि पहली बार लिविंग सेल को देखा, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा। तो ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और हम लोग आगे लिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज के बाद और भी बहुत सारे सेल के बारे में डिटेल स्टडी किया गया। अब देखते हैं सेल थ्योरी, सेल थ्योरी पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी इसमें देखिए, 1838
में मिथाइयस सिल्डेन जर्मन बोटनिस्ट है। देखिए कभी कभी ये भी पूछ देता है ये कहाँ के बोटनिस्ट है, ठीक है, क्या कौन से वैज्ञानिक है। एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म अ टिश्यू ऑफ द प्लांट। बाद में वो टिश्यू बनाते हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि प्लांट जो है सभी प्लांट सेल से बने हुए हैं और वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू सेल से मिलके बने हुए हैं। और एट अबाउट द सेम टाइम बताता है कि इसी समय थियोडर स्वान, ये है 1839 मैंने 1839 में, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने स्टडी किया द टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टूडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोल रहे हैं कि एक एनिमल सेल पे रिसर्च कर रहे थे और इन्होंने बताया कि सेल के ऊपर एक पतली सी परत हो है जिनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाता है, और इन्होंने सेल थ्योरी को भी दिया दोनों ने मिलकर, तो इनको हम पॉइंट्स में बना के लिख लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में ये दिया है मिथेयस स्वान सिल्डन, सॉरी मिथेयस सिल्डन एक जर्मन बोटनिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि प्लांट जो है सभी प्लांट हैं ये अलग अलग प्रकार के सेल से बने हुए हैं, और इनसे इन्हीं से मिलने वाले जो टिश्यूज हैं उनसे प्लांट बने हुए हैं, समझ गए। दूसरी चीज़ इसमें एक और वैज्ञानिक आते हैं थियोडर स्वान। अच्छा, ये जो बोटनिस्ट है जर्मन बोटनिस्ट, ये 1838 में ये बात बताएं, और ये उसी के लगभग में एक साल आगे बढ़ा दीजिए 1839, ठीक है, इसमें लिखा है एनसीईआरटी। और ये बताए हैं थियोडर स्वान ने, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, ये एनिमल सेल के जो आउटर लेयर है उस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इन्होंने बताया कि एनिमल सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साथ ही बताया कि प्लांट सेल के ऊपर ना सेल वाल होता है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलती होता है, सोचते हैं कि थियोडर्स जो स्वान हैं ये तो जूलॉजिस्ट है, तो इन्होंने प्लांट के सेल वाल के बारे में कैसे बताया होगा, ये तो सिल्डन बताए होंगे, लेकिन ये गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। भले ही ये जूलॉजिस्ट हैं लेकिन इन्होंने सेल वाल के बारे में बतलाया था, ठीक है। और फिर इन दोनों ने सेल थ्योरी प्रस्तुत किया था, मैंने सेल थ्योरी दिया था 1839 ईस्वी में, ठीक है। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने दिया था। आगे देखते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो आगे पैराग्राफ में लिख रहा है कि स्लाइडन और स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा, डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म, ठीक है। ये बात ये नहीं बतला पाए कि नए सेल कैसे बनते हैं। ये तो जरूर बतलाए कि इन्होंने कि सेल थ्योरी तो दे दिया कि सभी जीवन का जो भी आधार है वो सेल है। इन्होंने बोल दिया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन ये जो सेल जो हैं ये कैसे बने हैं, नए सेल कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, इनको ये नहीं बताया। तो इनको कौन बताया होगा, आपको मालूम है, रडोल्फ वर्चोव। इन्होंने 1855 ईस्वी में बोला था ओमनी सेलुली इज सेलुला, और इसका मतलब होता है कि जो नए सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं कि सेल थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया, तो बोलेंगे ये वर्चो ने। और ये पूछता है कि सेल ये ओमनी सेलुला इस सेलुली का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे कि न्यू सेल एराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब नया सेल जो है पुराने सेल से ही बने हुए हैं, मतलब उसी से डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया और एक शब्द और जोड़ दिया, ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्योंकि पहले सेल थ्योरी में बोला जाता था कि ऑल सेल और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, जितने भी जीवित जीव हैं वो सेल के बने हुए हैं या उसके उत्पाद से बने हुए हैं। लेकिन इन्होंने बोला एक और चीज़ जोड़ दिया वर्चो ने कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितने भी सेल हैं वो पहले से उपलब्ध सेल से ही बना। यहाँ सेल डिवीजन का कंसेप्ट आया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट्स है कि 1855 में इन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुली बोला, तो मैं इसको 14 नंबर पॉइंट में लिख रहा हूँ। तो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया अपने नोट्स में 13 नंबर में, सेल थ्योरी सेल्डन और स्वान ने 1839 में दिया, और सेल थ्योरी क्या बोलता है। अच्छा, सेल थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं करता है, सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म्ड, कैसे नए सेल बनते हैं इसको नहीं बतलाता, ये कमी था सेल थ्योरी में।
तो रोडोल्फ जो वर्चो हैं ये 1855 ईस्वी में सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया और इन्होंने बोला ओमनी सेलुली ई सेलुला। तो ये किसका क्या मतलब है, ऑल मतलब सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बोलते हैं कि जो भी सेल आए हैं वो पहले से बने सेल से ही बने हुए हैं। तो ये हो गए हमारे 15 नंबर पॉइंट, ऐसे कॉपी में नोट करते जाओ एक पेज में, ठीक है। तो अगला पैराग्राफ है अन ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब पूरे सेल में देखते हैं कि पूरे सेल के अंदर क्या होता है, एक मतलब शॉर्ट व्यू दे रहा है। तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व इन सेल अन ओनियन पील, मतलब बोल रहा है कि ओनियन मतलब प्याज का छिलका या रूट, ऐसा देखिए ओनियन का यहाँ पे नाम आ रहा है तो रूट टिप की बात मतलब करता है, रूट टिप से ज्यादा अच्छा से हम लोग सर्च कर सकते हैं। ह्यूमन चिक सेल अंडर माइक्रोस्कोप, ये बोल रहा है कि हम लोगों ने पहले देखा है, ये क्लास स्कूल्स में होते हैं। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। अन ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल, ओनियन सेल एक टिपिकल प्लांट सेल है विच हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल है, इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट द सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद तुरंत सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब बाहर एक सेल वॉल है उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक हैव आउटर मेम्ब्रेन एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इन साइड ईच सेल ऑफ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कार्ड न्यूक्लियस, बोल रहा है कि ह्यूमन सेल में एक सिर्फ मेम्ब्रेन होते हैं आउटसाइड में और फिर अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम है विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना एक डायग्राम बनाते हैं ताकि ये सब चीज़ें समझ में आए। देखो अगर मैं प्लांट सेल बनाऊँ या फिर एनिमल सेल अगर बनाऊँ, तो एक ऐसे एनिमल सेल बना दिया मैंने, तो ये जो बाहर जो भी है ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, में पीएम लिख देता हूँ, ठीक है। और बीच में ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसके अंदर डीएनए दिखता है, इसके अंदर क्या है डीएनए है, ठीक है। और इसमें ऐसे जो भरे हुए हैं ये हैं साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनली है जो आगे हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, माइटोकंड्रिया है और इसमें ऐसे गॉल्गी बॉडी है, ऐसे कहीं कहीं पे राइबोसोम है, और इसके आउटर मेम्ब्रेन से जो अपना ये न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इस पे कहीं कहीं पे राइबोसोम चिपका रहता है। तो दो प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा, एक एक को बोलेंगे रफ जिस पे चिपका हुआ है राइबोसोम, या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, और जो जिस पे नहीं चिपका हुआ है वो SER। तो यही सब बातें इसमें लिखा गया है, मैं बता रहा हूँ, एक बार इसको बना लेने पर याद कर लेने पर इस सेल चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और क्या क्या लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि क्रोमोसोम, यहाँ दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच इज टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, बोल रहा है कि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, देखो जो सेल न्यूक्लियस चारों न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंड होगा वह यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा उसे यूकैरियोटिक बोलेंगे, और जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा ऐसे ही डीएनए स्कैटर्ड होंगे तो उनको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ठीक है, वेयर लैक मेम्ब्रेन लिख रहा है कि जहाँ उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगा तो उन्हें हम प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, बोल रहे हैं दोनों में क्या होते हैं साइटोप्लाज्म होते हैं, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो वॉल्यूम ऑफ सेल सेल के पूरे वॉल्यूम में फैले होते हैं। द साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ, देखिए यहाँ पे एक एरिना शब्द दिया है, एरिना का मतलब होता है अखाड़ा, अखाड़ा समझते हैं जहाँ पे लड़ाई होता है। तो बोल रहा है कि द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटी होते हैं जैसे मान लो मेटाबॉलिज्म, जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं किसी मोलिक्यूल्स का बनना टूटना जो भी घटनाएं हो रही हैं सेल के अंदर वो कहाँ होती हैं साइटोप्लाज्म में होती है। वही लिख रहा है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट एंड एनिमल्स।
बोल रहा है दोनों प्लांट है चाहे एनिमल, दोनों के सेल में यहीं पे सेलुलर एक्टिविटी होता है। ऐसे बोल सकते हैं जो जीवित जीव का जितने भी एक्टिविटी हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द लिविंग स्टेट। देखो बोल रहा है ना कि जीवित जीव बनाए रखने के लिए इसी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बिसाइड अ न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनली। बोल रहा है कि न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारे सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम होते हैं जिसे ऑर्गेनली बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, माइटोकंड्रिया, ऐसे स्ट्रक्चर होता है माइटोकंड्रिया का, ठीक है। माइटोकंड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इसमें दिखेंगे। बोल रहा है देखो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रो बॉडी, वैक्यूल। द प्रोकैरियोटिक सेल लेक सच अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होते। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो प्रोकैरियोटिक्स हैं उनमें न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होगा। जो हमारे और भी बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम हैं उनमें अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। देखो यहाँ लिख रहा है राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, और ये दोनों में मिलते हैं, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में। देखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। तो प्रोकैरियोटिक्स चाहे हो या यूकैरियोटिक्स हो, राइबोसोम दोनों में होंगे, और राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऑन ईयर ऑफ ईयर। ओके बोल रहा है कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम नहीं होता, इसके अलावा प्लांट के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट वो हैं जो जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली में। तो क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम होते हैं, और देखो यहाँ लिख रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी और रफ ईयर में के ऊपर भी लगे होते हैं। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कॉल्ड सेंट्रोसोम। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और एकदम बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, बता रहा हूँ। एनिमल सेल में एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं इसको। ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। देखो सेल डिवीजन में हेल्प कौन करेगा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। 92 होते हैं, 90 डिग्री पर ये ओरिजिन रहते हैं इसे एक दूसरे को। ये सेल डिवीजन को, ये स्पिंडल फाइबर को ले जोड़ते हैं ले जाकर काइनेटोकोर से। अभी आगे सब समझ में आ जाएगा। क्रोमोजोम के यहाँ पे ना स्पिंडल फाइबर यहाँ से काइनेटोकोर होते हैं, यहाँ पे जाके जुड़ते हैं और फिर खींच के तोड़ते हैं। तो ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। जो फीमेल एग है यानी ओभा, उसमें यही नहीं होता, क्या नहीं होता, सेंट्रोसोम, जिसकी वजह से वो डिवाइड नहीं होता है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। अभी हम नोट्स में शामिल करते हैं इतने पॉइंट्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देख रहे हैं सेल डिफर ग्रेटली इन साइज। चलिए इसके अब तक का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का मैं लिख देता हूँ, अगला देख लें। तो मैंने इसको पॉइंट्स में लिख दिया है। पहला 16 नंबर पॉइंट्स है, अ टिपिकल प्लांट सेल जिसको स्टडी किया जाता है ओनियन सेल में, किसमें, तो रूट टिप में। एनसीईआरटी ने लिखा, मैं लिख दिया हूँ। अ टिपिकल ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन चिक सेल को लिया जाता है, ठीक है। और मतलब ह्यूमन सेल को पढ़ने के लिए, एनिमल सेल को पढ़ने के लिए ह्यूमन चिक सेल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियस क्या है, तो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, क्रोमोजोम इसके अंदर होते हैं, और ये क्रोमोजोम बने होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं इसमें, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, दोनों में होते हैं साइटोप्लाज्म, और मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, और ये सेलुलर एक्टिविटी के लिए मेन एरिना है, इस बात को ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा। लिविंग स्टेट ऑफ सेल, और यही जो साइटोप्लाज्म में एक लिविंग स्टेट ऑफ सेल होता है, और वेरियस केमिकल रिएक्शन इसमें होते हैं। तो अब इसमें जितने भी पॉइंट्स थे अब तक पढ़े हम लोग, इसमें नोट कर लिया, आगे देखते हैं क्या है। तो अगला पॉइंट, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जो हैं,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रो बॉडीज और वैक्यूल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं। राइबोसोम जो हैं ये यूनिवर्सल ऑर्गेनली हैं। यूनिवर्सल मतलब ये सब दोनों में मिलते हैं, यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलेंगे। तो ये इसको भी पॉइंट बना दिया। पॉइंट नंबर 25 में इन यूकैरियोटिक राइबोसोम फाउंड। यूकैरियोटिक में राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उसके मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। यहाँ पे लिख लेना, मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, ठीक ना। अगला 27 नंबर पॉइंट है, एनिमल सेल में क्या यूनिक कैरेक्टर क्या है? अगर विशेष गुण बताएं तो सेंट्रोसोम होता है इसमें, ठीक है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है और हेल्प करता है सेल डिवीजन में। देखिए, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है और प्लांट सेल का जो सेल डिवाइड होता है वो सेल प्लेट मेथड से होता है, और एनिमल सेल का जो सेल डिवीजन होता है वो सेल फरो मेथड से होता है। तो एनिमल सेल में हमें सेंट्रोसोम देखने को मिलता है। बिना सेंट्रोसोम को एनिमल सेल डिवाइड नहीं कर सकता, बिना सेंट्रोसोम से एनिमल सेल डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे के क्या है इसमें। अगला पॉइंट इसमें एनसीईआरटी में बोल रहा है, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज। सेल जो है साइज में डिफरेंट होते हैं, शेप और एक्टिविटीज में। मतलब जैसा सेल का कार्य होता है उसी के अनुसार अपना शेप, साइज और एक्टिविटी करता है। फॉर एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा की बात करें, जो स्मॉलेस्ट सेल होता है इसका, ये कितने माइक्रोमीटर लेंथ का होता है? 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है। ये बैक्टीरिया है सबसे स्मॉलेस्ट, पीपीएलओ भी बोलते हैं इसको, है ना। एनसीईआरटी पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा को अलग अलग बोला है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा एक ही है, ठीक है। और इनका साइज कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर है। तो इसका लिस्ट भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पॉइंट निकल के आया, सेल डिफर इन साइज, सेल अलग अलग साइज के होंगे। माइकोप्लाज्मा जो है वो, जिसे पीपीएलओ भी बोलते हैं, ये 0.3 माइक्रोमीटर का है, स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है। और ये देखिए, ये अगर ऐसे बोला जाए कि बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने वाले जो मशीन होते हैं, जो फिल्टर होते हैं, उससे छन कर बाहर आ जाता है। तो कई बार वैज्ञानिक इसलिए प्रॉब्लम में रहे कि ये बैक्टीरिया है या नहीं है। बाद में इसको खोजा गया, पाया गया कि ये बैक्टीरिया है और इसके अंदर सेल वाल नहीं है, बहुत ही छोटा है। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो 3 to 5 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल जो है अब शुतुरमुर्ग का अंडा है, ह्यूमन आरबीसी जो है वो 7 माइक्रोमीटर लंबा होता है लगभग। और नर्व जो होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, वो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल, एनिमल के लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा। देखिए जो भी दिया हुआ है शेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फोटो देख कर पूछ देगा कि ये बताइए आरबीसी है, ये व्हाइट ब्लड्स अमीबॉइड लिखा है, ये कोलमनार एपिथीलियम सेल है, लॉन्गेस्ट नैरो सेल बोला जाएगा, ये मेजोफिल सेल है, राउंड और ओवल शेप का हो रहा है, ये ट्रैकिड से इलोंगेटेड है ना। और ये नर्व जो है ब्रांच और लॉन्ग चेन माना जाता है। तो ये चीज़ें आपको ना डायग्राम में पूछा, मैच ऑफ द कॉलम बना कर देगा। मैं क्वेश्चन कुछ कराऊंगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो ये रहे अब तक के सभी की पॉइंट्स। तो 32 की पॉइंट्स हम लोगों ने लिख लिया। अब आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल के शेप, साइज और उसके फंक्शन को बतलाता है इस टॉपिक में। देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें पॉइंट्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पॉइंट्स पढ़ते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्गी, माइकोप्लाज्मा। देखो यहाँ पर लिख देना, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरो निम्यूनो लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों एक ही हैं, बट इसको ऐसे लिख दिया है तो एनसीईआरटी का बात तो मानना ही पड़ेगा। तो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। मोनेरा, देखिए प्लांट किंग, अपने जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमिलिया, तो इसमें मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स हैं, बाकी सब यूकैरियोटिक्स हैं। तो और आगे लिख रहा है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं कई क्वेश्चंस में देखा हूँ ये चीज़ पूछा गया है, मोर रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं कौन? यूकैरियोटिक्स मोर रैपिडली, सॉरी प्रोकैरियोटिक्स मोर रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं किसके तुलना में? तो यूकैरियोटिक के तुलना में। दे में
वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, और इनका शेप और साइज बहुत ही अंतर होता है। ये बेसिक फोर टाइप के इनका शेप होता है, जैसे बात किया जाए तो बेसिलस रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कोकस स्फेरिकल, विब्रो कामा शेप और स्पायरलम स्पायरल शेप। तो ये चीज़ें आप मैं नोट कर दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलियर इवन थ्रो प्रोकैरियोट्स एक्सिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। कह रहे हैं कि इसके जो सिमिलर समानता है प्रोकैरियोटिक का, ये बहुत ही वाइड वैरायटी शेप और फंक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब बहुत ही, मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि शेप और फंक्शन जो है इनका बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है इनके इनमें। ठीक है, देखो आगे लिख रहा है कि प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। देखो ये भी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सेल वॉल होते हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स फील्ड द सेल इज साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है वो साइटोप्लाज्म है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो ये भी बात हम लोग समझ चुके हैं, इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब इनके जो न्यूक्लियस डीएनए है वो स्कैटर्ड ऐसे ही फैले हुए रहते हैं साइटोप्लाज्म में। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, और इसके जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं। तो इनके जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होते हैं, मतलब कहने का मतलब कि इनके जो डीएनए होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, नॉट इन्वॉल्व बाई द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके ऊपर नहीं रहता है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोजोम सर्कुलर डीएनए जिसको बोलते हैं, इनके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, याद रखना है इस बात को। सिंगल क्रोमोजोम होते हैं और सर्कुलर डीएनए, और मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के बाद भी एक अलग से डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और वो क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मिड एक बैक्टर के रूप में जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, देखिए लिखा ना प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। बता रहा है कि प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो कुछ यूनिक कैरेक्टर, फिनोटाइपिक कैरेक्टर दिखाता है बैक्टीरिया में। सच वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंट टू जीनो एंटीबायोटिक। इनमें से एक गुण ये है कि ये एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंट जीन होते हैं और रेसिस्टेंट जीन बनाते हैं। जैसे कहने का ये मतलब है कि बैक्टीरिया जो होता है, ये बैक्टीरिया हो गया, तो यहाँ पे बैक्टीरिया के जो अपना जो डीएनए है ऐसा तो रहता ही है, साथ में एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, और ये जो प्लाज्मिड है ये डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होता है इसके। कैसे, अगर जैसे ये क्या करता है कि अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया जो है, अगर इस पे कोई केमिकल मारता है, अगर कोई केमिकल भेजता है, तो तुरंत उसके अगेंस्ट कोई एंटी केमिकल उसका बनाकर इसको उससे बच जाता है। ठीक है, तो ये डिफेंस का सिस्टम है। तो इसको ना क्या करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं बाहर, और इसे वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे, बैक्टीरिया लिखा है कि ये रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। इन हायर क्लासेज यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिक डीएनए इज यूज एज मोनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। बोल रहा है कि आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे यानी 12th क्लास में, कि इसको इस्तेमाल किया जाता है एक फॉरेन डीएनए को के साथ ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो या कहने का ये मतलब है कि कोई इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिए, और अपना जो डीएनए डिजायर डीएनए है उसको यहाँ पे जोड़ देते हैं काट के। वो सब वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, कैसे काटा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है बायोटेक में, और इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, किसी फॉरेन चीज़ों में, जैसे मान लो कोई दूसरा बैक्टीरिया उसमें हम लोग डाल देंगे, ताकि ये क्या कर ले, सेम जो हमारा डिजायर कैरेक्टर है वो एक्वायर कर ले। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकेरियोट्स। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकेरियोट्स में होते हैं। नो ऑर्गेनली लाइक द वन इन यूकेरियोटिक आर फाउंड इन प्रोकेरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा दूसरा कोई भी यूकेरियोट का ऑर्गेनली, मतलब जो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो अवेलेबल है ऑर्गेनली, वो नहीं मिलते
प्रोकैरियोट्स में। कहने का मेरा मतलब यह है कि सिर्फ राइबोसोम ही हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मिलते हैं, बाकी यूकैरियोटिक में कोई भी ऑर्गेनली प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते, यूकैरियोटिक जैसे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। कह रहा है कि इनके मेम्ब्रेन में कुछ इंक्लूजन बॉडी होता है ठीक है, आगे बताता हूँ मैं। स्पेशलाइज डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। देखिए, इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं, यहाँ पे मैं बनाऊँ तो जो मेम्ब्रेन होते हैं, एक फोल्ड बनाते हैं ऐसे ऐसे फोल्ड ऐसे होके ऐसे फोल्ड बनाएंगे किसके, बैक्टीरिया के। ठीक है, ऐसे फोल्ड बनाएंगे और इस फोल्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, मीजोसोम। ये सिमिलियर टू माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे हमारे यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है या रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, वैसे ही जो मीजोसोम से जो फोल्ड एक स्ट्रक्चर है जिसको मीजोसोम नाम रख रहे हैं, ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया जैसा, यानी रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, और यही मीजोसोम जो है एक प्रोकैरियोट के कैरेक्टरिस्टिक है, इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये। ठीक है, तो याद भी ये भी रखना है कि जो ये मीजोसोम है ये एक गुण है, विशेष गुण है। अगर कहीं पे भी दिख रहा है किसी सेल में कि ये फोल्डेड स्ट्रक्चर, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो ये रहे हमारे प्रोकैरियोट्स में ओवरव्यू। तो इसके जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं मैं उसको नोट कर दे रहा हूँ। तो इसमें जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल एग्स ऑफ ओस्टेट, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ 33 नंबर पॉइंट्स हैं, प्रोकैरियोट्स मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, वेरी ग्रेटली शेप एंड साइज, मतलब इसमें वेरी करता है शेप और साइज में, और इसके जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रोकैरियोट्स के चार बेसिक शेप हैं, तो बैसिलस अगर होगा, रॉट लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, कोकस अगर बैक्टीरिया के नाम में लग रहा है तो समझेंगे स्पायरल है, और विब्रियो यानी कॉमा शेप है, ऐसे कॉमा जैसे होते हैं, और स्पायरलम होगा यानी स्पायरल होगा। माइकोप्लाज्मा जो है नो सेल वाल, लिखा माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वाल नहीं होता है, तो ऑल ऐसे बोलेंगे कि लिखा एनसीईआरटी ने ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वाल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर पूरे प्रोकैरियोट में सेल वाल होता है। जीनोमिक डीएनए, इसमें डीएनए दो प्रकार के होंगे, एक जीनोमिक डीएनए और एक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है। प्लाज्मिड क्या काम करता है, तो यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है इसमें, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। क्या है फिनोटाइपिक कैरेक्टर, तो ये रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक के प्रति ये रेसिस्टेंट होता है। और ये प्रोकैरियोटिक जो के एक यूनिक फीचर है, ये क्या यूनिक फीचर है, तो सेलुलर इंक्लूजन इसमें होते हैं, जिन्हें मीजोसोम कहते हैं। तो मीजोसोम क्या है, तो मीजोसोम एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं मेम्ब्रेन के, अभी बताया जो वो मीजोसोम सिमिलियर टू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, मीजोसोम का जो फंक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा होता है। ठीक है, अब आगे के पॉइंट है, अगला पैराग्राफ, सेल इनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, मतलब सेल के जो इनवलप हैं और उसके क्या क्या मॉडिफिकेशन हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, अच्छा इसके पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट बताता हूँ जिसे ध्यान रहेगा। जैसे देखो, कोई भी बैक्टीरिया है ना, ऐसा एक बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया की सेल वाल है ठीक है, और इस अपने ऊपर ना एक ना जरूर एक परत लगा लेता है, एकदम स्लिपरी एक परत लगा लेता है, ताकि ये क्या करे, बच सके, छुप सके कहीं पे। और ये छुपने के लिए, या फिर वैसा बोले कि हमारे जो बॉडी में आएगा तो हमारे बॉडी का जो एंटीजन है, इसको एंटीबॉडी है, इसको खोज ना पाए, इसलिए अपने बॉडी के ऊपर एक स्लिपरी एक कवर लगा लेता है, और उसके नीचे क्या होता है, सेल वाल, और फिर इसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, ऐसे सेल मेम्ब्रेन होगा, और तब ये पूरा कंप्लीट बैक्टीरिया है। और इसके ऊपर भी कई कई प्रकार से सिलिया और फ्लैजला रहते हैं जो इसको चलने में, लोकोमोशन वगैरह में मदद करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो सिलिया और फ्लैजला जो है, अगर कोई हमारे इंटेस्टाइन या गट में अगर रहता है कोई बैक्टीरिया, तो उसको फंसा के रखने में भी उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इनके मॉडिफिकेशंस में। आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, तो यही सब बारे में लिखा होगा। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवलप, बोल रहा है कि पार्टिकुलरली अगर बैक्टीरिया सेल को देखा जाए तो केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवलप होता है।
और आगे लिख रहा है कि द सेल इनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थ्री लेयर स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला है, थ्री लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। आउटर मोस्ट जो है वो देखो, वही जो बोल रहा था कि बैक्टीरिया के ऊपर का आउटर मोस्ट कवर, इसको ग्लाइको कैलिक्स बोलते हैं। और ये एक देखो लिखा है ना, ग्लाइको कैलिक्स आउटर मोस्ट है, फ्लोइड बाय द सेल वाल, उसके बाद उसके अंदर सेल वाल होता है और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन होता है। ऑल दो ईच लेयर ऑफ द इनवलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, और तीनों का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ये एक साथ प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। हालांकि तीनों का अलग अलग काम है, लेकिन एक साथ मिलकर ये प्रोटेक्शन देते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप, बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल इनवलप, द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीड्यूअर डेवलप, ग्राम, इसको नाम दिया गया, देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दिया गया है। उसको क्या किया जाता है कि स्टेनिंग टेक्निक द्वारा आयोडीन और इसके घोल में रखा जाता है, ग्राम नाम है वैज्ञानिक का, ठीक ना, उन्होंने आयोडीन और एक केमिकल है क्रिस्टल वॉयलेट सोल्यूशन में उसको डुबा दिए थे बैक्टीरिया को, और फिर से उसको अल्कोहल से धोने के बाद देखे कि इसमें ग्राम पॉजिटिव, मतलब जो जिस पे कलर रह गया था वो ग्राम पॉजिटिव और जिस पे कलर नहीं रहा था वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। तो ये नाम उसके पड़ा है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उसके बाद से एक जो ये पहला लेयर है जिसको ग्लाइको कैलिक्स कह रहे हैं, ये इसका कॉम्पोजिशन जो थिकनेस है अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। इट कुड बी लूज सीट, मतलब लूज हो सकता है, तो स्लाइम लेयर जैसा, मतलब एक चिपचिपा लेयर जैसा बना सकता है कुछ कुछ में, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ये मोटा थिक कवर बना सकता है, जैसे कैप्सूल वगैरह होता है उस टाइप का। और द सेल वाल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, सेल वाल जो है उसके शेप को डिटरमाइन करता है बैक्टीरिया का, प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलेप्सिंग, बोल रहा है कि बैक्टीरिया को फटने और उससे टूटने से बचाता है ये सेल वाल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, देखो यहाँ लिख दिया ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं और इंट्रैक्ट विद द आउटसाइड द वर्ल्ड, और ये मतलब बाहर बाहरी पर्यावरण से इंट्रैक्ट करते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलियर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द यूकेरियोट, और ये यूकेरियोट के जैसे ही इसका भी लगभग लगभग संरचना होता है, किसका, मेम्ब्रेन का, जैसे यूकेरियोट का मेम्ब्रेन है ठीक लगभग लगभग वैसा ही मेम्ब्रेन हमें प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन मैंने देखा था कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस इसके मेम्ब्रेन में क्या कोई अंतर है दोनों के, तो नहीं, थोड़ा लगभग लगभग समान है। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज मेजोसोम, इनमें एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर स्पेशल होते हैं मेजोसोम, फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो ये भी हम लोग लिख चुके हैं, ये कब बनता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटेंशन करता है, मतलब एक निकलता है उस, इसलिए द एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, ये वेसाइकल के रूप में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स के रूप में हो सकते हैं, या फिर लैमली के रूप में हो सकते हैं, मतलब जो बनते हैं ऐसे, जो बनेंगे इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे वेसाइकल्स के रूप में बन सकते हैं, या फिर ट्यूब जैसे ऐसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ऐसे ट्यूब जैसे, या फिर लैमली जैसा स्ट्रक्चर हो सकते हैं। दे हेल्प इन सेल वाल, ये सेल वाल में हेल्प करते हैं क्या, तो सेल वाल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन सेल वाल फॉर्मेशन लिखा है ना, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाउटर सेल, देखो ये पूछेगा क्वेश्चन कि ये क्या काम करते हैं, तो ये काम करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाउटर सेल, डाउटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, मतलब डाउटर सेल का मतलब हो गया सेल डिवाइड होता है उसमें हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन में हेल्प कर सकते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस में कर सकते हैं हेल्प, मतलब कोई चीज़ सिक्रीट हो रहा है उसमें हेल्प कर सकते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया, और ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं मतलब सेल मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और कई सारे इसमें इंजाइमेटिक कंटेंट होते हैं, बोले ना इंजाइमेटिक कंटेंट होता है, रिस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। इन सम प्रोकैरियोटिक
यूकेरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर और भी कई सारे एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर, विच कंटेन पिगमेंट्स, और जिसमें क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। मतलब देखो, कहने का मतलब है कि साइनोबैक्टीरिया में इस यहीं पे क्रोमेटोफोर होते हैं, उसमें ना उसमें हमें क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलता है, उसमें क्रोमेटोफोर होते हैं, एक पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेंगे। बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। इफ़ मोटाइल, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द देयर सेल वाल कॉल्ड फ्लैजेला। अगर मोटाइल होंगे तो उनमें एक सेल मेम्ब्रेन से एक एक्सटेंशन निकला होगा बाहर की तरफ, जिसे फ्लैजेला बोलेंगे, ऐसे फ्लैजेला निकला होगा। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। इसमें कई सारे फ्लैजेला का अरेंजमेंट अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके से होगा, ये कह रहा है। बैक्टीरियल फ्लैजलम इज कंपोज ऑफ थ्री पार्ट्स। बैक्टीरिया के फ्लैजेला तीन पार्ट से बने हैं, फिलामेंट से, हुक से और बेसल बॉडी से। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ये सेल सरफेस से आउटसाइड एक्सटेंड करते हैं जो फिलामेंट होते हैं और बड़े होते हैं। बिसाइड फ्लैजेला, फ्लैजेला के अलावा पीली देखने को मिलते हैं, फिम्ब्राई देखने को मिलते हैं। ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियम बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। सीधे सीधे बात लिख दिया है, फ्लैजेला सिर्फ मोटिलिटी में हेल्प करता है, लेकिन पीली है, ये फिम्ब्री है, ये सब मोटिलिटी में रोल नहीं निभाते। द पीलीज आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। ये स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं। द फिम्ब्री जो है इसमें, ये भी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्रोटिंग आउट द सेल वाल। ये फाइबर जैसे पतले संरचना जो सेल वाल से बाहर निकल के आते हैं, फिम्ब्राई बोलते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच टू बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो इन द होस्टिंग टिश्यू। बोल रहे हैं ना, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं अटैच्ड होने में, किसमें? कि कोई पथरीला ज़मीन है, उस पर चिपकने में मदद करते हैं ये फिम्ब्राई पीली, या फिर गट में, अगर मान लो कि कोई ह्यूमन बॉडी में या किसी होस्ट में है तो उस टिश्यू से चिपकने में ये हेल्प करते हैं। ये रहे पूरे पैराग्राफ, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इसमें इतने पॉइंट्स हैं, मैं लिख दिया हूँ। मिजोसोम हेल्प करता है सेल वाल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डाउटर सेल, मतलब सेल बंटने में, और रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा, सिक्रीशन में हेल्प करेगा, और मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाएगा, और इंजाइमेटिक कंटेंट इसमें रहते हैं जो इंजाइमेटिक एक्शन करने में हेल्प करता है। कौन? मिजोसोम। मिजोसोम यानी जो मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन होता है वो। अगला इसमें है बैक्टीरियल सेल जो है वो थ्री लेयर में होंगे, 39 नंबर पॉइंट है। ये जो थ्री लेयर्स में इनमें होंगे, जो बाहर का जो लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, मिडिल जो है मतलब उसके बाद वाला जो है सेल वाल है, और सबसे अंदर वाला जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और 40 नंबर पॉइंट्स है कि क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन टेक्निक जो है, इससे हम ये इसमें अगर घोल में डालते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो दो प्रकार का देखने को मिलता है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। जो इस जो कलर जिन पे रह जाता है वो ग्राम पॉजिटिव, और जिन पे कलर नहीं चढ़ता वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज हो, ये भी स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी ने, अगर लूज हो तो ये स्लाइम लेयर एक चिकना सा परत बनाएगा, अगर वही ठीक हो जाए तो वो कैप्सूल के जैसा हो जाएगा। और सेल वाल जो है ये जो शेप देता है, गिव शेप इसका बैक्टीरिया का शेप देता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलेप्सिंग, ब्रस्ट होने से, फटने से और वो टूटने से बचाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं और सिमिलर टू ऑल सेल, जैसे सभी सेल हैं वैसे ही होता है। यहाँ पर लिखा हूँ लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स मतलब लिपिड और प्रोटीन के ही बने होते हैं, चाहे वो यूकेरियोटिक के सेल हो या फिर प्रोकेरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन हो। साइनोबैक्टीरिया जो हैं
मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन निकले जो हैं वो क्रोमेटोफोर कहलाते हैं, और ये पिगमेंट रखते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लिख लेना इस पॉइंट को। आगे का मैं पॉइंट बता रहा हूँ, 45 नंबर, मोटाइल बैक्टीरिया जो होगा यानी जो मोशन वाला बैक्टीरिया हो, चलने वाला, उसमें फ्लैजला होंगे, ये सेल वाल का एक्सटेंशन है, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेल वाल का एक्सटेंशन है। आगे देख रहे हैं, बैक्टीरिया जो हैं मोनोट्राइकस हो सकते हैं, एम्फीट्राइकस हो सकते हैं, सिफेलोट्राइकस हो सकते हैं, पेट्रीट्राइकस हो सकते हैं, और ए ट्राइकस हो सकते हैं। क्या है इसका मतलब? ए ट्राइकस का मतलब जिसके अंदर फ्लेजला नहीं हो, ये ए ट्राइकस है। मोनोट्राइकस मतलब एक फ्लेजला हो इसके अंदर एक साइड ऐसे, तो ये हो गए मोनोट्राइकस। एम्फीट्राइकस यानी इसके दोनों साइड फ्लेजला हो, है ना ऐसे। और सिफेलोट्राइकस गुच्छे में हो, फ्लेजला इसके अंदर गुच्छे में हो, और पेरीट्राइकस मतलब पूरे इसके बॉडी पर हर जगह फ्लेजला हो, ये है पेरीट्राइकस। तो ये होते हैं कौन? ई कोलाई बैक्टीरिया। पेरीट्राइकस कौन होते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, याद रखना इस बात को। और ये तो 47 नंबर पॉइंट है, बैक्टीरिया का जो फ्लैजला है, तीन उसमें तीन पोर्शन होते हैं, एक फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। तो जो फिलामेंट होता है वही बाहर साइड, जैसे एक बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया के अगर मान लो फ्लैजला निकलेगा तो सेल वाल से ऐसे निकलेगा, तो जो निकलने वाला जो ये पोर्शन, इसी को फिलामेंट बोलते हैं। फिर यहाँ पे हुक होता है और सब नीचे बेसल बॉडी देखने को मिलता है। देखो इसमें पीली और फिमराई जहाँ तक लिखा है, ये मोशन के लिए नहीं है, एनसीईआरटी स्पष्ट रूप से लिख दिया है। पीली क्या है? तो ये स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ संरचना है, जो ट्यूब जैसा संरचना होता है छोटा छोटा। और फिमराई क्या है? तो एकदम स्मॉल, ये भी ब्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ये भी लिख दिया एनसीईआरटी ने, छोटे और ब्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे पूरे इस पैराग्राफ का पॉइंट्स निकल गया है, इसको फटाफट लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसको देखेंगे कि आगे कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द वनली ऑर्गेनली फाउंड इन पीपीएलओ, पीपीएलओ में कौन से ऑर्गेनली सिर्फ मिलता है? कौन सा आंसर है बताइए? न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्लास्टिड और वैक्यूल। तो राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज फ्लोइंग स्टेप एज पर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है उसके अकॉर्डिंग इस स्टेप को अरेंज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा इसको कहीं ना कहीं लिख लो। तो ऑप्शन है ट्रीटमेंट विथ 0.5% आयोडीन सोल्यूशन, वॉशिंग विथ वाटर, ट्रीटमेंट विथ एब्सोल्यूट अल्कोहल या एसीटोन, स्टेनिंग विथ वीक अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट। यही है स्टेप्स, और इन्हीं में से सबसे पहले क्या होगा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो ग्राम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये किया था। क्या किया था? स्टेनिंग विथ वीक अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट। सबसे पहले बैक्टीरिया को वीक अल्कलाइन सोल्यूशन क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेनिंग किया था, रंगा था, ठीक ना। उसके बाद रंगने के बाद उन्होंने 0.1% अल्को आयोडीन सोल्यूशन से उसमें उसके घोल में डाल दिया था उस बैक्टीरिया को। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वाटर से धो दिया था उसको, वाश कर दिया था वाटर से। और सबसे लास्ट में क्या किया था, उन अल्कोहल से धोया था। अल्कोहल से धोने के बाद भी उस पर कलर नहीं उतरा तो वो है ग्राम पॉजिटिव, और कलर उतर गया तो ग्राम नेगेटिव। तो ये तरीका था। तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया? बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है, बाउंसर क्वेश्चन होगा जब आएगा। तो अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? टू इनवलप सिस्टम, वन इनवलप सिस्टम, थ्री इनवलप सिस्टम या नो इनवलप सिस्टम। इनवलप मतलब होता है मेम्ब्रेन, तो कितने मेम्ब्रेन? वन इनवलप सिस्टम होता है। क्या होता है? इसमें एक मेम्ब्रेन सिस्टम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन प्रोकैरियोट्स क्रोमोसोम आर सिंगल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रेट डीएनए या डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर हाईली लूप डीएनए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से ऑप्शन होगा हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है,
और सर्कुलर डीएनए होला हाईली लूप्ड होता है, इसका मतलब होगा कि बहुत सारा ऐसे क्वाइल्ड में होते हैं, है ना, तो हाईली लूप्ड डीएनए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, तो एनसीईआरटी का है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है, ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट आफ्टर द स्टडी ऑन, बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसके ऊपर स्टडी करके डिस्कवर किया गया है, आप सोचो एनसीईआरटी का है कि नहीं, तो ह्यूमन आरबीसी के ऊपर, किस पे, ह्यूमन आरबीसी के ऊपर, कहाँ गया, ह्यूमन आरबीसी, ठीक है, तो हमारा अगला ऑप्शन होगा ह्यूमन आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज सेल, ये 6 नंबर, 4, 5, 6 नंबर है ये, क्या है स्लाइड इधर उधर, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि हु प्रपोज सेल लिनियेज थ्योरी, सेल लिनियेज थ्योरी को किसने प्रपोज किया, बाय एस्टेनिंग दैट ओमनी सेलुलर इसोलेली, बताओ ये किसने दिया था, तो वर्चो ने दिया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द ऑर्गेनली इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईआर, बताओ किसमें, ये मतलब कौन सा ऑर्गेनली है जो सब में मिलता है, साइटोप्लाज्म में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, और ईआर में, राइबोसोम, आंसर क्या होगा इसका, राइबोसोम, ठीक है। आगे, स्मॉलेस्ट सेल इज, सबसे छोटा सेल कौन है, सबसे छोटा सेल है अपना माइकोप्लाज्मा, एनसीईआरटी से टोटली एनसीईआरटी के लाइन को उठा के बनाया गया क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन दियर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल का शेप जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो शेप किस पे डिपेंड करता है, देखो कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, नहीं फंक्शन पे डिपेंड करता है, वो कैसा फंक्शन कर रहा है, सेल अपने फंक्शन के अनुसार अपने शेप को बदल लेता है, एनसीईआरटी लिखा है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल को किसने खोजा था, बताओ स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, और लियोन हॉक ने, तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये तो बताया नहीं है कि लिविंग सेल या डेड सेल, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था एवी एंटोनी वॉन लियोन हॉक ने, लेकिन अगर यहीं पे पूछता क्वेश्चन आपसे कि सबसे पहले नॉन लिविंग सेल को किसने देखा था, तो आंसर होता हमारा रॉबर्ट हुक, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर बात कर रहा है कि सेल अगर सिर्फ पूछ जाए डिस्कवर किसने किया, तो हम बोलेंगे लियोन हॉक ने। सेल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर नोन एज, किस सेल में मेम्ब्रेन होता है, उसके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होता है, तो हमारा आंसर देखो बोल रहा है प्रोकैरियोटिक, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, गलत है, ये यूकैरियोटिक, हाँ यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन होता है, मीजोफिल सेल, इसमें भी मीजोफिल सेल में भी होता है, ठीक है, लेकिन मीजोफिल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ये प्लांट सेल है, और यूकैरियोटिक सेल, तो आप देखो बोथ ए एंड बी बोल रहा है, तो ए भी तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, अब बताओ इसमें से, तो मीजोफिल सेल भी है और यूकैरियोटिक सेल है, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, क्योंकि मीजोफिल सेल भी एक यूकैरियोटिक सेल है। अगला क्वेश्चन है, थियोडोर स्वान नेम द आउटर आउटर लेयर ऑफ द सेल विच इज टूडे नोन एज, आजकल उसके नाम से जाना जाता है, बोल रहा है कि जो थियोडोर स्वान ने सेल के ऊपरी परत को क्या बोला था, तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखो एकदम से कंफ्यूजिंग है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो हम लोग इसमें किस, कौन सा आंसर होगा हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आजकल हम लोग इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ सेल इन ऑल एस्पेक्ट इज, देखो सेल का स्टडी सभी एस्पेक्ट में करने को अगर बोल रहा है, तो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन, सेल बायोलॉजी होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सेल बायोलॉजी, कहाँ गया, सेल बायोलॉजी होगा, साइटोलॉजी क्यों नहीं होगा,
तो सेल बायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेज आते हैं, उसी का एक ब्रांच है साइटोलॉजी। ठीक है, तो हमारा साइटोलॉजी साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस इन सब का स्टडी किया जाता है, लेकिन सेल बायोलॉजी एक बड़ा ब्रॉड ब्रांच हो गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी सेल बायोलॉजी। द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन प्लांट एंड एनिमल सेल, बताओ। ये तो हम कई बार लेक्चर में बताए हैं, मेन एरिना क्या है, तो हम साइटोप्लाज्म है, कौन है, साइटोप्लाज्म, जिसको अखाड़ा बोलते थे वो साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन क्वेश्चन है, द कॉमन सेल ऑर्गेनली इन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्टेज, बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एक कॉमन सेल ऑर्गेनली का नाम बताइए कौन सा हो सकता है। देखिए, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तीनों में क्या होता है, तो राइबोसोम होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। द सेल डिस्कवर्ड इन थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक वाज, एक्चुअली क्या था वो बताओ, जो जिसको रॉबर्ट हुक ने खोजा था कॉर्क में, वो क्या था मालूम है आपको? देखो, तो ये रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क था, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा जो बोतल में, ऐसे बोतल पहले के ऐसे बोतल आते थे, उस समय ढक्कन नहीं हुआ करता था बोतल में, तो कर्क लगाने के लिए एक लकड़ी का ऐसा, इसमें ऐसा लकड़ी का एक टुकड़ा ऐसे फंसा कर रखते थे, इसी को छोटा सा टुकड़ा ऐसे काट के और उसी का स्लाइड देखा उसमें, तो उनको छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर दिखे, ऐसे छोटे छोटे रूम, इसको उन्होंने बोला सेलुली, मतलब ऐसे छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर है ना, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा, तो ठीक है ऐसे, तो ये क्या वो देखे होंगे इसको, ये क्या होगा, सपोज ये क्या है, ये है सेल वाल, सेल वाल जो था वो मतलब सेल वाल सेलुलोज का बना होता है जो काफी टफ होता है, तो ये सेल वाल एक चारों तरफ से क्या था, ऐसे ब्रिटल एंड हार्ड स्ट्रक्चर, ऐसा बोलेंगे टफ स्ट्रक्चर, जो जिसमें लिग्निन केमिकल जमा हो जाते हैं जिससे हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज सूखे हुए लकड़ी में उन्होंने देखा था, तो ये क्या देखा था उन्होंने, तो सेल वाल देखा था, ये कंसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन है, सेल थ्योरी स्टेट डेट, सेल थ्योरी क्या बताता है, ऑल सेल हैव न्यूक्लियस, क्या सभी सेल में न्यूक्लियस होते हैं, नहीं, सेल आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, हाँ ये बात तो सच है, ये बोलता है ऑल सेल आर लिविंग, क्या सभी सेल लिविंग हैं, सेल्स लिविंग भी होते हैं, और जैसे सेल, जैसे प्लांट्स के सेल हैं वो उसके साइटोप्लाज्म में नहीं रहते तो डेड भी कर जाते हैं, सेल रिप्रोड्यूस बाई माइटोसिस और मियोसिस, सेल माइटोसिस और मियोसिस से रिप्रोड्यूस करते हैं, ये तो सही है, लेकिन ये एक्सटेंशन ऑफ द सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया गया है और रोडोल्फ वर्चो के द्वारा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी इज, बताओ सेल थ्योरी का क्या एक्सेप्शन है, वायरस, क्या है, वायरस, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, वायरस है, क्योंकि वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोला जाता है वायरसेस को, और ये जो बॉडी में आते हैं तो लिविंग जैसा व्यवहार करने लगते हैं और बॉडी से बाहर नॉन लिविंग जैसा, तो ये बोला जाता है, अगर मतलब सेल थ्योरी बोलता है कि एक सेल से छोटा में, एक सेल से छोटा अगर कोई चीज है तो वो जीवित नहीं रह सकता, तो वायरस में कुछ नहीं होता है, बस एक डीएनए या आरएनए होगा, उसके ऊपर प्रोटीन का कवर होगा, ये तो कंप्लीट सेल है ही नहीं, फिर भी ये जीवित रह जाता है बॉडी में आकर, तो इसलिए ये एक्सेप्शन है। ठीक है, हमारे इरिथ्रोसाइट्स सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होते, बैक्टीरिया भी सेल हैं, फंगी भी, लेकिन हमारा जो वायरस है ये एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल इनवलप ऑफ प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ, तो सेल इनवलप में क्या होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछा है, देखो सेल इनवलप क्या, मैं पढ़ाया था उसमें तो बताया कि देखो जो सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, तो वो अगर लूजली अगर हो तो उसको बनाएगा वो स्लाइम लेयर, ठीक है, अगर लूजली हो तो, अगर वो टफ मोटा कवर बना दे तो कैप्सूल बना देता है, तो सेल इनवलप में और कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, तो क्या ये तीनों चीज होती हैं क्या, सेल वाल, ग्लाइकोकैलिक्स और मेम्ब्रेन,
हाँ सेल के ऊपर तीनों कवर एक साथ होते हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। अच्छा आप कमेंट में लिख के बताना हमको कि कौन सा लेयर ऊपर होता है और कौन सा लेयर नीचे होता है, मतलब सीक्वेंस में लिखना कि पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म स्लाइम लेयर, इनमें से कौन सा स्लाइम लेयर, देखो एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, टोटल एनसीईआरटी के ही लाइन है, तो अभी अभी बताए थे ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो स्लाइम लेयर है, तो अपना ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ अल्गी इज मेड अप ऑफ, अल्गी का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ अल्गी किस चीज का बना होता है, तो देखो जो अल्गी का सेल वॉल है उसमें गैलेक्टेंस होता ही है, मैनेंस होता है, और उसमें ना कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, CaCO3 भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। यू देखो अल्गी होते हैं समुद्र में रहते हैं, तो उनमें कैल्शियम कार्बोनेट तो उनके सेल वॉल में बनेगा ही बनेगा, तो याद रखना है कि ये तो प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है शायद, तो ये याद रख लेना है कि इनमें मैनेंस, गैलेक्टेंस और CaCO3 होते हैं, इम्पोर्टेंट है इसलिए इसमें डाला गया है। क्वेश्चन है, म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल, किसके सेल वॉल में म्यूरेमिक एसिड अवेलेबल होते हैं, तो बैक्टीरिया के में होते हैं, सेल वॉल में, बैक्टीरिया के सेल वॉल में होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अल्गी, देखिए ब्लू ग्रीन अल्गी भी एक बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट ए टू ई एंड कंसाइडर द क्वेश्चन फ्लोइंग देम, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन आर लूजली हेल्ड इन द मेम्ब्रेन, पहला है ऑप्शन, दूसरा है कि सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन, हाँ ये तो सही है, काइटिन का बना होता है, तीसरा पोलीराइबोसोम आर सेवरल राइबोसोम अटैच टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, क्यों, पोलीराइबोसोम कौन होते हैं, जब राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर अटैच होते हैं वो कहलाते हैं पोलीराइबोसोम, ठीक है, और ये माइकोप्लाज्मा इज सेल वॉल लेस यूकेरियोटिक सेल, हाँ ये बात सही है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, और ये एक चीज गलत कर दिया यहाँ पे, यूकेरियोटिक सेल बोल दिया माइकोप्लाज्मा को, तो ये गलत हो गया ये भी स्टेटमेंट। अगला है कि इन प्लांट सेल साइज ऑफ वैक्यूल इज लार्जर देन दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ये तो बात सही है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल है उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, ये पांचों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो इसमें हमें कौन कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन आर लूजली हेल्ड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है मेम्ब्रेन जो होते हैं इसमें जो प्रोटीन धंसे होते हैं तो एक्सट्रेंसिक वाले लूजली होते हैं, ये तो बात सही है, लूजली होते हैं सेल मेम्ब्रेन, आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तो ये हो गया ऑप्शन, ये सही है, सेल वाला फंगीज मेड ऑफ काइटिन, हाँ ये भी सही है, काइटिन के बने होते हैं, पोलीराइबोसोम बोल रहा है वो, तो आरएनए, ऐसे आरएनए होता है ना इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम आके अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पोलीराइबोसोम, तो ये ऑप्शन गलत है, माइकोप्लाज्मा इस सेल वाल, हाँ इसमें माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं होते, लेकिन यूकेरियोटिक बोल दिया इसलिए ये गलत है, इन प्लांट सेल साइज ऑफ वैक्यूल ये सही है, माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं, तो कितने सही मिल रहे हैं हमको, तीन, तो अपना थर्ड ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आउट ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप द ऑर्गेनिज ऑफ ऑर्गेनिज्म हाउ मेनी आर प्रोकैरियोटिक, इनमें से बताना है कि कौन कौन प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता, फंगी तो यूकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस होता है, प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है, अल्गी भी यूकैरियोटिक है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक माइकोप्लाज्मा है और ब्लू ग्रीन अल्गी है, ब्लू ग्रीन अल्गी मतलब हो गया साइनोबैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है साइनोबैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर दो, यानी दो इसमें क्या है प्रोकैरियोटिक है। पॉलीसोम है टू कंपोनेंट्स, वन इज राइबोसोम वाइल अनदर इज, पॉलीसोम के पास दो कंपोनेंट होते हैं, अभी बताया था पहला राइबोसोम है दूसरा क्या है, देखो ये आरएनए होता है एमआरएनए, और इस पर ऐसे क्या बैठे रहते हैं राइबोसोम होते हैं, ठीक है, और इनको ओवरऑल क्या बोलते हैं पॉलीसोम बोलते हैं, इसको बीट्स ऑन स्ट्रिंग भी बोला जाता है, मोती की BEADS, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ये भी एनसीईआरटी 12th में लिखा है, ठीक है, मतलब बोलते हैं कि मोती के माला जैसे होते हैं ना,
वो उसको बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। तो ऑप्शन क्या हो गया इस, एक तो है बोल रहा है कि पुलिसोम, एक राइबोसोम है और दूसरा है हमारा एमआरएनए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजला, फ्लैजला का ये देखिए, ये भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिया गया, हालांकि सब तो एनसीईआरटी से ही है। बोला था कि ये जो सेल वाल होते हैं ना, या फिर ऐसे बोले कि आउटर लेयर, इसमें से एक लॉन्ग जो पोर्शन निकला होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और उसके बाद होता है हुक, बेस बेसमेंट, यहाँ पे बेस होता है उसके बाद हुक होता है। तो हमारा पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजला का सबसे बड़ा पोर्शन कौन है, तो फिलामेंट है, बेसल बॉडी और हुक अंदर होते हैं, यहाँ पे बीच में बेसल बॉडी उसके बाद हुक होते हैं। क्वेश्चन है कि अ सेल ऑर्गेनेल इन प्रोकैरियोट्स इज कनेक्टेड विद स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, एग्जाम्पल साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स ETC, इट इज ए नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनली, आइडेंटिफाई अमॉन्ग, इनमें से पहचानना है कि कौन नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनली है, ठीक है, जिसमें फूड ग्रेन्यूल्स स्टोर होता है। देखिए गैस वैक्यूल होगा नहीं, ठीक है, ये गैस वैक्यूल नहीं होगा। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या करता है बताओ, प्लाज्मिड तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल्स है। मीजोसोम, मीजोसोम क्या करता है, तो मीजोसोम जो है हमारा ये सेल मेम्ब्रेन, ये जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता है, लेकिन इंक्लूजन बॉडी उसको बोलते हैं, जो फूड रिजर्व फूड स्टोर करता है ना उसमें, उसको इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोइंग प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप ऑफ द सेल, बताओ इसमें से कौन सा सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं, लोमासोम्स लिखा है, साइटोस्केल्टन, हाँ साइटोस्केल्टन पूरे सेल के अंदर फैला होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, साइटोस्केल्टन, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द गिवेन सेल ऑर्गेनली आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट सेल, बताओ इसमें प्रोकैरियोट्स में कितने सेल ऑर्गेनली हैं। वैक्यूल ये तो प्लांट सेल में होता है, मीजोसोम हाँ ये होते हैं यू प्रोकैरियोट्स में, राइबोसोम ये भी होते हैं, फ्लैजला ये भी होते हैं, सेल वाल ये भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे मीजोसोम होता है, तो बोलो कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 है, तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं, हाउ मेनी ऑफ द गिवन सेल ऑर्गेनली आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, सिर्फ प्रोकैरियोटिक में मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो यूकैरियोटिक में हो। तो देखो इसमें तो वैक्यूल सिर्फ यूकैरियोट में मिलता है, मीजोसोम सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलता है, ये प्रोकैरियोट का तो ये यूनिक कैरेक्टर है, लेकिन राइबोसोम दोनों में मिलता है, फ्लैजला में मिलता है दोनों में, और सेल वाल भी दोनों में मिलता है, प्लांट सेल में होता है नहीं सेल वाल, और बैक्टीरिया में भी होता है, तो ये सब नहीं होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोट में होता है, प्रो में नहीं, तो इसका इसमें सिर्फ मीजोसम ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक में ही मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यही पूछा है क्वेश्चन, गड़बड़ हो गया था ऑप्शन, मैं ध्यान से नहीं पढ़ा था क्वेश्चन को, वनली बोला है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में, तो मीजोसम ही है केवल, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, हाँ होता है, राइबोसोम भी होता है, न्यूक्लियर इनवलप नहीं होता, मीजोसोम भी होता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड, जो प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस तो कहेंगे नहीं है ना, और न्यूक्लियस तो भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसे हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सेंट्रोसोम नहीं बोलेंगे, हमें न्यूक्लियाइड बोलना है, तो प्रोकैरियोटिक के जेनेटिक मटेरियल होते हैं न्यूक्लियाइड। तो कुल मिला के क्वेश्चन हम लोगों ने अब तक जितना एनसीईआरटी पढ़ा उसमें से किया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, और जिसमें एनसीईआरटी के और भी पॉइंट्स बनाएंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।